आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, यहां पर एक और सोफा क्या कर रहा है? तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एनी गेसेस क्या होगा वो सरप्राइज? कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मेरी वाइफ पहली बार मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रही है। अभी शर्म नहीं आ रही, मेरी बीवी आई और सीटियां बजा रहे हो, देख शर्मो। आज के सेशन में क्या होगा, मैं कम बोलूंगा जैसे कि मेरे घर में होता है, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनसे पूछ सकते हो। मेरे बारे में कुछ जानना है, मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं, या मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, या कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज शी इज माई बेटर हाफ एंड आई मीन इट। आप जो भी मुझे समझते हो वो सब स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एज अ पर्सन शी इज 100 times बेटर देन मी एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आई एम श्योर अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे सही से इनसे, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टू ऑल ऑफ अस सर इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन और ही मेक्स अस पॉजिटिव। माई क्वेश्चन इज दैट आप दोनों के बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं? इफ यस तो सर, तो सर इज वेरी पॉजिटिव। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हर रिलेशनशिप में होती है, वेदर इट इज अ हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एज अ फादर सर की क्या आपके बेस्ट क्वालिटी है जो आप मुझे बताएं, और मैम की एज अ मदर क्या बेस्ट क्वालिटी है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। पहले आप बताइए। पहले आप बता दो। ठीक जैसा आप कहें। एज अ मदर शी इज एन एक्सट्रीमली केयरिंग मदर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है बच्चों का। उल्टे काम सारे मैं करवाता हूँ बच्चों को, बिगाड़ने वाले काम सारे मैं करता हूँ और मैं करवाता हूँ, और इनका काम है थोड़ा ट्रैक पे लेकर के आना, तो बैलेंसिंग हो जाती है। मतलब मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, हम मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं, और हमको डांट पड़ती है हम तीनों को इनसे। तो हम तीनों को आदत है कि मम्मा आएगी हमको तीनों को डांट के चली जाएगी। तो ये हम तीन हैं और ये मैम हैं जो कि हम तीनों को संभालती है। मतलब बच्चों का भी यही कहना है कि पापा मजे करवाएंगे। मैम मुझे ये पूछना था कि सर इतने फिट हैं, तो सर मतलब खुद हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर मतलब आपको लगना पड़ता है सर के पीछे? याद दिलाना पड़ता है कभी कभी बोल बोल के, बट वैसे ही इज कॉन्शियस। और मैम सर फूडी हैं या फिर मतलब ध्यान रखते हैं? बहुत फूडी है। अब ये मत पूछना कि फेवरेट फूड क्या है, बता दो। बता दो। मैम एक्चुअली हम लोग सब सोच रहे थे कि पता नहीं कौन आएगा गेस्ट में, और आप लोग मतलब आपको देखकर हम लोग मतलब आज मैम इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं, मतलब वन ऑफ द लकीएस्ट ऑडियंस है, मतलब हम लोगों को आज मौका मिला है। दो क्वेश्चन है, सबसे पहले कि आपका लव मैरिज हुआ था कि अरेंज्ड? सबको पता है लव मैरिज बचपन का प्यार, बचपन नहीं बचपन बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। हाँ, कितने समय के बाद, किस पॉइंट पे आकर के जब आप रिलेशन में थे आपको लगा था कि यस हाँ इस बंदे के साथ आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? मुझे तो फर्स्ट ईयर से ही लगा था कि ही इज द वन। हमने बच्चों के नाम भी सोचते थे 11th में ही। एक क्वालिटी बतानी हो कि उस टाइम पे जो आपको लगा था, जिस वजह से आपका जो मेन रीज़न था कि हाँ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन से बात कर रही हूँ जैसे। इनफैक्ट इनको भी नहीं लगा होगा शायद ऐसे कुछ था ना। मुझे तो लगा था। ट्यूनिंग काफ़ी, मतलब मुझे भी नहीं पता कि क्यों इतनी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग थी। हाँ क्या पूछने वाली। तो सर मेरा क्वेश्चन है मैम से, तो मैम है सर बोल रहे थे कि बॉन्डिंग लव, तो बॉन्डिंग ही लव है क्या? बॉन्डिंग के साथ साथ फ्रेंडशिप भी होनी ज़रूरी है। बॉन्डिंग तभी होगी जब अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक
क्वेश्चन हो रहा है मैम मेरा आपसे. मैम ऐसे आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी हो, सो आपका मन करता है कि आप कभी अक्षय कुमार से मिलो, शाहरुख खान से मिलो? बचपन में होता था, अब नहीं होता. What's your favorite song and can you sing it? Because we know he's a fabulous singer. And sing? Yeah. गाना भी like favorite song of Sandeep sir, can you sing for us? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये गीत अमर कर दो. सर एक्चुअली आपने एक सेशन में बताया था अपने कि सर आप स्टाइल मारने जाते थे, मतलब कि अपने कोचिंग में, तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा, रुचि मैम से, कि सर सच में आपको वैसे पता था कि स्टाइल मारे जाते हैं या फिर सिर्फ कोचिंग ही मतलब कि आते हैं? नहीं नहीं स्टाइल मारते थे. बाल ऐसे करके. और मैं बता दूं एक बार मुझे हुआ था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और आप काफ़ी हंसे थे. हाँ 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 स्टाइल मारे थे फुल ऑन, मतलब बहुत तेज ऐसे बैट स्टाइल मारने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए किया था और धड़ाक गिर गए. मैं बहुत हंसी थी. मैम कभी आप सर से गुस्सा होके कभी माइक वाइक गई हो? नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ, माइक ही नहीं गई कभी, छोड़ के नहीं गई. ओ भाई क्या करवाना चाहते हो आप? मेरी बीवी सुख शांति से मेरे साथ रह रही है, आप उसको माइके भेजना चाहते हो? क्या क्या आइडियाज प्लांट कर रहे हो आप इनके सबकॉन्शियस में? नहीं नहीं कुछ नहीं, भूल जाना, कुछ नहीं कहा ऐसे ही है. हाँ मैम जी सर इतना बिजी रहते हैं पूरे टाइम, तो मैम आपको ये पर्सनल टाइम दे पाते हैं जैसे वैकेशन पे ले जाना या? मेरे लिए बिजी नहीं रहते. आई एम नॉट अ वर्कोहॉलिक. देर वॉज अ पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ वेन आई यूज टू बी अ वर्कोहॉलिक, बट अब मैं बड़ा एक लेड बैक रिलैक्स लाइफ स्टाइल जीता हूँ. कई बार इनको मेरे को बोलना पड़ता है कि कहाँ पड़े हुए हो, जाओ. ऐसा होता है तो मैं हंस रहे हो, बट ऐसा होता है. होता ही नहीं होता है पड़े हुए तो नहीं, मतलब झूठ झूठ पड़े हुए जाओ निकलो यहाँ से, घर से निकलो, मेरे काम रुके हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं. नहीं हाँ घर में बीच में बैठ गए हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, इतना नहीं, घर में बीच में बैठ गए हो. अच्छे बच्चे हैं साथ में, बच्चों को भी देख लेते हैं. हेलो सर. हेलो मैम. हेलो. जैसे कि सर हमें सबको मोटिवेट करते हैं, समटाइम्स सर भी डीमोटिवेट होते हैं कभी? होते हैं. फिर कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को? उसकी वीडियो देख के. खुद की वीडियो देख करके. देखता हूँ संदीप महेश्वरी ने क्या कहा था इसके बारे में. How to control your mind? आप दोनों को वैसे फेस टू फेस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है. और जोड़ी कैसी लग रही है हमारी? बहुत ही अच्छी लग रही है. ऐसे तो कर दो. मैम आप सर के साथ मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए? कुछ मूवीज देखते हैं. मैम सर आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट देते हैं? बहुत बहुत. वैसे सर को देख के ऐसे लगता नहीं, बट अभी सर नॉर्मल हस्बैंड जैसे ही लग रहे हैं. हस्बैंड नॉर्मल ही होते हैं. नहीं ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बहुत सरप्राइज देते हैं. आप लोग वेकेशन पे जाते हो घूमने? बहुत बहुत. आपको कहाँ जाना पसंद है, किस तरह की जगह? दो साल नहीं गए कहीं, वो कोविड की वैसे. हाँ अदरवाइज कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है. इनफैक्ट बच्चों के साथ भी धरती जा लगनी भाई, वो काट सब पता चल गया, बस मार्स रह गया. सॉन्ग है नहीं वही जो बोला आपका, वो कौन सा मार्स पे जाने वाला सब गाड़ी? अरे वो जो मैं सुनता हूँ. मेरे गानों की चॉइस बहुत गंदी है, आप लोगों को पता नहीं है. एक गाना है जिंदगी मेरी डांस डांस राइट, मेरी डांस डांस. उसमें फिर एक डायलॉग आता है, चलो मार्स पे चले. तो लड़के बोलते हैं चले, हाँ चलो. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी उलझुल जो गाने होते हैं ना, अजीबो गरीब से. एक मेरा गाना होता था जो मेरे को बहुत पसंद था स्कूल कॉलेज में, जब भी हम जाते थे मैं वो गाना लगाता था और मैं डांस करता था गाड़ी में. धन्नो की? हाँ. वो भी सॉलिड गाना है. कभी सुनना आप लोग, मतलब कभी जोश वाला गाना चाहिए हो ना तो आप में से किसी ने नहीं सुना होगा पक्का है, बट मुझे पता है इस वीडियो के बाद में वो गाना वायरल हो जाएगा. उसमें बीच बीच में वो करता है, है, है। उसमें मुझे बड़ा मजा आता है.
मतलब एक अलग ही लेवल है उस गाने का. आप सुनना, पुराना गाना है. नहीं 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 नहीं, एग्जॉटिक एरोटिक वो सब नहीं है. एग्जॉटिक मतलब मस्त गाना है. और मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मुझे नहीं पता. डिस्क्लेमर. तो उसका एक वीडियो आप बना दो. बन गया, ये बन तो गया. डांस उसके साथ ना. हाँ हाँ, यही तो कसर रह गई है. नचाओगे मुझे आप? हाँ नहीं, हो गया, बस इतना ही बहुत है. एनीबडी एल्स? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. उस समय सवाल है कि मतलब रिलेशनशिप में और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो अब मैं पहल कौन करता है कि मतलब उसको मनाना है, रुठना है? मनाने का काम तो इनका ही है. तो किस तरीके से मतलब आप बता दें मतलब कि भाई मान जाओ अब तो इतना नहीं चलता गुस्सा. स्माइल, मतलब छुप छुप करके, जैसे लड़ाई हो गई हमारी अब एक दो दिन हो गए, अब छुप छुप करके निकल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से वो हंस रही है, इधर से मैं हंस रहा हूँ. फिर थोड़ी देर बाद देख करके एक दूसरे को हंसते हैं, फिर कहते हैं बस हो गया या और खींचनी है? नहीं बस हो गया, चलो ठीक है, बात. थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू. हेलो सर. हेलो मैम. आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था और कैसे किया था? नहीं, आप भी दिखा सकते हो. हाँ, एक पार्टी में हम अपनी फ्रेंड की, एक कॉमन फ्रेंड, स्कूल की पार्टी में गए थे, तो हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलना था. यहाँ पे भी बोल दो सर. तो आई थिंक इन्होंने पहली बार मतलब बोला था. हाँ. एक बार बोल दो सर. क्या बोल दूँ? आई लव यू. आपके सामने क्यों करूँ? माहौल बन जाएगा. माहौल बन जाएगा. माहौल बन जाएगा. माहौल बन जाएगा. आप देखना, आराम से बैठ करके माहौल बनेगा बढ़िया. थैंक यू सो मच.